के अंदर और बाहर वायु प्रदूषण एक मूक और अदृश्य हत्यारा बन गया है और ये प्रत्येक साल 70 लाख लोगों की असामयिक मौत के लिए जिम्मेदार भी है, जिसमें 6 लाख बच्चे भी शामिल हैं। स्पेशल रिपोर्टर ऑन ह्यूमन राइट्स एंड द एनवायरनमेंट डेविड आर बॉयड के मुताबिक 6 अरब से अधिक लोग इतनी प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं जिसने उनके जीवन, स्वास्थ्य और बेहतरी को ही खतरे में डाल दिया है। इसमें एक तिहाई संख्या बच्चों की है। बॉयड ने जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के दौरान कहा कि कई सालों तक प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण कैंसर, सांस जैसी बीमारियां या दिल से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित रहने के बाद हर घंटे 800 लोग मर रहे हैं। फिर भी इस तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं है, क्योंकि ये मौतें उस तरह नाटकीय नहीं हैं जिस तरह से अन्य आपदाओं या महामारी से होने वाली मौतें होती हैं। वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसे रोका जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी दायित्व को भी निभाने का आग्रह किया, जो जीवन, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, उचित घर और एक स्वस्थ वातावरण के अधिकारों को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। बॉयड का कहना है कि अच्छी परंपराओं के कई उदाहरण हैं, जैसे भारत और इंडोनेशिया में चलाए जा रहे कार्यक्रम जिनके जरिए लाखों गरीब परिवारों को खाना पकाने की स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद मिली और कोयला आधारित पावर प्लांट्स को सफलतापूर्वक हटाया जा रहा है। Keep watching पर्यावरण पोस्ट।